मंगलवार को बढ़ते ठंड एवं गलन को देखते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मनीष कुमार वर्मा ने रेड क्रॉस टीम के सदस्यों के साथ रात्रि भ्रमण कर जनपद में बने रैन बसेरी, रोडवेज बस स्टैंड, सद्भावना पुल, कोतवाली, चहारसू चौराहा, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, असहायों एवं जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका द्वारा विभिन्न स्थानों पर चल रहे अलाव का निरीक्षण भी किया। अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की जाए। कंबल वितरण के दौरान जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने कहा, रेड क्रॉस का उद्देश्य है कि पीड़ित असहायों की सेवा करना और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के गत निराश्रित एवं असहाय कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, एसडीएम सदर सुनील कुमार भारती, एसडीएम नेहा मिश्रा, एसडीएम ऋषभ पंडित, अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा, सचिव रेडक्रॉस डॉक्टर मनोज वत्स, कोषाध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे सहित सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे। रजिस्टर नहीं सर, आधार कार्ड लेते हैं कहीं एंट्री करते हो कि कौन आ रहा है, कौन कोई कितने पेशेंट यहाँ पर रुकते हैं या कितने कल कोई रुका था, उसके पहले कोई रुका था? हाँ कल रुके सर, आधार कार्ड लेते हैं। कहीं लिखे हो? लिखा नहीं है सर, आधार कार्ड।